ये देखिए हमारा फीड आज मम्मी लाई है अपनी पेंशन, दिखाया था मैंने आप लोगों को ब्लॉग में, और देखो आप बैठ गई है अपने पैसे लेके बांटने के लिए। ओ हो मुझे नहीं दिया गाइस, मुझे नहीं दिया। गाइस देखिए आज मेरी भी नींद डिस्टर्ब करके देखना, मुझे भी लेके आ गए सुबह सुबह। देखो देखा ये भी निकला है मॉर्निंग वॉक पे। तो गाइस देखिए अपने तो सुबह सुबह आते ही हैं, आज मेरे को भी खींच के ले आए, चल बोला घूमने के लिए। गाइस ये एरिया है दिल्ली का, ये बहुत ही पॉश एरिया, बहुत बहुत ज़्यादा पॉश एरिया, सैनिक फार्म। तो यहाँ जितने भी हमारे फिल्म एक्ट्रेस, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं। इसी एरिया में भी है अमिताभ बच्चन जी का भी एक फार्म, तो सोच लीजिए। ये देखिए हमारा। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो ये अपने साथ साथ मुझे भी लेके आ गए आज अपने साथ मॉर्निंग वॉक पे। एक तो मैं रात को इतना लेट सोती हूँ, ऊपर से मुझे इतनी जल्दी उठा के ले आए, घर जाकर सो जाऊंगी दोबारा अगर सोने का टाइम रहा तो। हाय तुम स्कूल से आई आज? मैं तो आज फंस गई ना इनके साथ, कल से आने वाली हूँ। आज ज़्यादा घूमा नहीं, इस औरत ने घूमने नहीं दिया, कह रही मेरे टखनों में दर्द हो रहा है टखनों में। चलो कोई बात नहीं, इसको आज फर्स्ट और लास्ट बार था, अब मिल जाने थे। अब स्पीड में ये सैनिक फार्म से जुड़ा हुआ है इलाका, और ये वाली गली सीधा हमारे घर की तरफ जाती है। हम लोग सैनिक फार्म में नहीं रहते, हम तो आज जाते हैं मिडिल क्लास घर, गरीब आदमी किराए पे रहते हैं। हम लोग एक घर यहाँ बन जाता ना मेरा, पता नहीं कब आएगा वो दिन जब मैं अपना घर यहाँ ले सकूँगी। अभी तो हम किराए के मकान में रह रहे हैं गाइस, एक तो कमरे का घर ले लूँ, एक कमरे का सैनिक फार्म में घर ले लेगा अमिताभ बच्चन का जो घर है ना उसको ले लेगी। और ये हमारी गली जो मैं आपको डेली दिखाती हूँ ऊपर बालकनी से, आज मैंने आपको दिखा दिया नीचे से। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अपना तो ये आके बैठ गए सिंहासन में, जा बोला चाय लेकर आया हो, मेरी आज कर दी हालत ख़राब है, तो रात को नींद पूरी नहीं होती है, सुबह मुझे इतनी जल्दी उठा के ले गए, घुटने अलग दर्द करवा दिए मेरे, कल से नहीं जाऊंगी मैं, गलती से ना जाऊं मैं। चाय बनाते हैं लीजिए, आँख भी नहीं खुल रही है अम्मी की, अभी चाय मिल गई आपको, देखो बिस्कुट उसी में डाल देती हैं मैं चाय में, और इधर रखा हुआ मेरा पानी। मम्मी कह रही है तम्बाकू का इंतज़ार, तम्बाकू भरवल, यहाँ मम्मी के लिए तम्बाकू भरने का हो रहा है इंतज़ाम, ये कोयले रखे हैं, और शिवांश बनाने लग गया है अपने लिए अप्पे, रात का पेस्ट बचा हुआ था तो शिवांश अपने लिए अप्पे बना रहा, दिखा भेजा था मैंने कैसा है। ये बादाम, ये लड़की बादाम मुँह कर रही है, प्यारी सी लड़की, और ये बुढ़िया औरत को देखिए, ये देखिए मैं बैठ चुकी हूँ अपने डेली के काम पे फ्रूट कटिंग पे, और आज हमारा नाश्ता है बाहर से, क्योंकि हमारी चटोरी सासू माँ को आज छोले कुलचे की याद आ गई है। मम्मी क्या खाना है आज? छोले कुलचे खाएगी। ओके ये अम्मी ने बना रहा जले खुले कुलचे, क्या बोलते हैं उसको, अप्पे, अप्पे। पता है मम्मी उसका नाम भूल गई थी, इसका ना मम्मी कह रही आज मेरा वो खाने का मन कर रहा है, मैंने कहा क्या बल वो बढ़िया मटर रहती बल में वो आज धनिया रहन बल, मैंने क्या रोटर भी रंधी बल, पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या बोल रही है अम्मी, फिर मैंने कहा छोले कुलचे,
रोटी ऐसी रहती है, बोले ना 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 रोटी नहीं जाता, वो रखता बड़ी आती है, वो सफेद सफेद बड़ी बड़ी है बड़ी है। तो मैंने छोले कुलचे इन्हें ढूंढा वाला छोले कुलचे, बोले हाँ हाँ हाँ, आज मम्मी को यहाँ नाम याद करा दिया, अगली बार मम्मी बोलेगी छोले कुलचे मंगाओ। रात को क्या खाया था मम्मी ने पूछना था, गप्पा 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 अप्पे 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 गप्पा वाल दादी को दे दे। गाइस मेरी दादी दिन भर कुछ ना कुछ खाती ही रहती है, अभी भी मुँह चल रहा है आप देख सकते हैं। और ये रहे मम्मी के छोले कुलचे, जो मम्मी आज बोल रही थी मुझे छोले कुलचे खाने हैं। और यहाँ देखो मम्मी मेरा ही व्लॉग देख रही है पुराना, ये बाहर का नहीं खाता है, ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, इसने अपने लिए दिखाया ना आपको, मैंने अप्पे बनाए और इसने अप्पे और फ्रूट्स खा लिए। हाय मम्मी, आपको अपने साथ कहाँ लेके जा रही हूँ मम्मी? हाय मम्मी, बैंक लेके जाएगी आपको अपने साथ। तो चलो, आ रहा है हमारा ऑटो। मनीषा जिसको हम दिल्ली एयरपोर्ट पे बाय बाय करके आए थे। हेलो मनीषा। हाय दी, हाय प्रिया। हेलो, कैसा लग रहा है दुबई में पतिदेव के साथ? बहुत अच्छा। तो गाइस आप भी मनीषा से मिलिए, उस दिन कितना डर रही थी ना ये, कैसे डर रही थी ये, अब देखो इसके चेहरे पे हंसी है, आज ये खुश है। और अंग्रेज मजा आ रहा है, घर का खाना मिल रहा है खाने को? वही तो, अब आलू आलू खा के मनीषा को भी आलू बना दियो। ये देखिए मैंने बना दिया लोगों के लिए पुलाव, मटर पुलाव, इसमें है सोयाबीन की बड़ी बड़ी मटर, और ये मिर्ची जो हम खाते नहीं है। आज घूमने के लिए दिखाया था ना आपको, बैंक घूमने गई थी आज हमारी सासू माँ, आज हरे हरे गुलाबी नोट लेके आ रखी हैं। कितने नोट लाई हो मम्मी आज? मम्मी गिनती नहीं है, मम्मी तो ऐसे गड्डी उठा के ले आती है, बस बस गड्डी उठा के सेट अपने खीसों में डाल देती है, बस गिनती नहीं है। और गाय ये देखिए आज मम्मी लाई है अपनी पेंशन, दिखाया था मैंने आप लोगों को ब्लॉग में, और देखो आप बैठ गई है अपने पैसे लेके बांटने के लिए। ठीक है देखो सबसे पहले किसका नंबर है? ये देखो एक बिंसी है जो बस एक है। तो चलिए गाइस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए रात का, मैं इसीलिए इंतजार कर रही थी क्योंकि ये लोग अभी आए हैं कोचिंग वगैरह से, बच्चे भी आए हैं, दादी इंतजार कर रही थी कभी आएंगे कभी इनको पैसे बांटूंगी, तो दादी ने पैसे बांट दिए हैं, मुझे नहीं दिया गाइस, मुझे नहीं दिया, मैं बहुत सैड हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ले लूँगी मैं, दादी ने पैसे बांट दिए हैं और हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। रात के खाने बनाई है मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी और बनाऊंगी रोट। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म, बने रहिए मेरे साथ घरवाली ब्लॉगर शोभा, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभरात्रि, गुड नाइट। मम्मी भी कर रही है, मम्मी भी कर रही है गुड नाइट, गुड नाइट, भूख लग गई है, अब बनाते हैं खाना और खाते हैं खाना।